आज के दिन में आप देखेंगे कि जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है वैसे कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है जी। अच्छा, डायबिटीज होने के बाद हम कम से कम 20 से 30 साल जिंदा रह रहे हैं कि नहीं? यदि हम चीजों को अच्छा से मैनेज करें तो आदमी 30 साल 40 साल तक डायबिटीज होने के बाद भी जिंदा रह रहा है। पर कैंसर में आप देखेंगे कि मोटे तौर पर कैंसर होने के बाद जितनी मर्जी उतनी मर्जी आप इलाज करा लें, पर 2 से 3 साल मोटे तौर पर युवराज सिंह जैसे लोग बहुत कम है जिन्होंने कैंसर को डिफीट किया। मोटे तौर पे आप अपने समाज में क्या देखेंगे कि कैंसर होने के 2 से 3 साल 4 साल जाते जाते इंसान मौत की ग्रास बन जाता है, तीन साल चार साल में खत्म हो जाता है। अब देखिए, तुलसी कैंसर हो गया तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा, कैंसर हो गया तो प्रभाव नहीं करेगा। पर मेरी बात पर यदि आप यकीन करेंगे तो यकीन करें कि दिन में दो बार आप जो पानी पीते उसमें ज़्यादा नहीं, इसको 2 बूंद डाल के पीएंगे दो बार डालने मतलब चार लोग तो आप अपने को और अपने परिवार को कौन से बीमारी से बचा सकते हैं? कैंसर से बचा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जिसको हो गया उसको तो जाने दो, जिसको हो गया उसको तो ये तुलसी का उसको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पर यदि हमको और आपको बचा लेता है, यदि हम तो हम क्या करते हैं कि मैं जो अपने लिए पीने के लिए पानी रखता हूँ, एक बोतल रखता है, तो हम क्या करते हैं उस बोतल में इसको 2 बूंद डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पीने के लिए बोलता हूँ, आपके पीने के पहले मैं खुद इसका सेवन करता हूँ और मुझे मालूम है साइंटिफिक विज्ञान कि यदि आप इसका सेवन करते हैं तो कैंसर की बीमारी से आप खुद भी बच सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है। दो बूंद चार बूंद में यदि कैंसर जैसे जानलेवा से हम, तो इससे आपके ध्यान में आएगा कि हमारा परिवार कल्पावरित परिवार कितनी संजीदगी से हम समाज के बीच में अपना पैर फैला रहे हैं, कितनी संजीदगी के साथ समाज के बीच में हम पैर फैला रहे हैं।